दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छा होगा। मैं भी अच्छा हूँ। आज हम सुबह नाश्ता के लिए रागी का रोटी बना रहे हैं। तो ये मोटा वाला रागी है, इसको हम पीसेंगे। इसके बाद गेहूँ आटा और रागी मिला के रोटी बनाएंगे और चटनी। तो चलिए देखिए हम कैसे बना रहे हैं। हेलो दोस्तों, देखिए हम ये गेहूँ का आटा है, हम एक बाटी लिए हैं और एक बाटी रागी आटा। तो इसको हम मिलाएंगे और इधर हम नमक लिए हैं, इसको भी डाल देंगे। इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। इसको हम नॉर्मल पानी से इसको हम आटा गूंदेंगे। देखिए हम ये आटा को अच्छे से हम सान लिया है। अब ये इसको 2 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे। इसके बाद रोटी बनाएंगे। देखिए मैं आटा को गोली बना दिए हैं 2 मिनट के बाद। इधर हम रोटी को बेल लिए हैं और इधर हम सेक रहे हैं। रोटी को ऐसे हिलाने से ना ये नीचे नहीं चिपकेगा, इसीलिए तो हम ऐसे करते हैं। ऐसे करने से रोटी अच्छा से फूलता है। अच्छा है ना? मेरा रागी आटा का रोटी हो गया है। और कितना सारा हम बनाया है देखिए। इसी तरफ हम सब रोटी बना लेंगे और उसके बाद टमाटर चटनी बनाएंगे। देखिए हम टमाटर को बॉईल कर लिए हैं और छील लिए अच्छे से। इसमें हम डालेंगे भुंजा वाला मिर्चा है, इसको हम थोड़ा सा डाल देंगे। और ये क्या बोलते हैं, देखिए ये पिकल है, लहसुन का पिकल है, हम इसको डालेंगे 1 चम्मच। हेलो दोस्तों, अभी हम नाश्ता खा रहे हैं। तो देखिए हम इधर टोमेटो चटनी बनाया है। तो हम नहीं दिखा पाए, उन लोग सबको जल्दी जल्दी खा लिया नाश्ता, तो दिखा नहीं पाए आप लोगों को। तो अभी हम खा रहे हैं देखिए रागी आटा का रोटी। तो आज का मैं सूखा सूखा बना दिए हैं चटनी और रागी आटा का रोटी बना दिए हैं। आज का यही वाला नाश्ता था। तो कैसे लगा आप लोगों को? अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नया वीडियो के साथ। बाय बाय।